हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका कुंवर पहाड़ी ब्लॉग्स में। नए दिन के शुरुआत नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मुझे बहुत सारा काम करना है और आज मैं निकालने वाली दूध वो भी आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं ये लकड़ी का गट्ठा लेके आ गई हूँ। सुबह के बज चुके हैं 10 और इसे देखो, ये अभी उठ रही है। मैंने इससे बोला मेरा फ़ोन चार्ज करके ला दे, ये अभी उठ रही है और सीधे आग के पास बैठ गई। मैं झाड़ू पोछा करके गई, लकड़ी तोड़ के ला गई। अब मुझे दूध निकालना है और इसको देख सकते हो आप, अभी बैठी है, मुँह दिखाने लायक नहीं है, बेशरम। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इस वजह से मैं ऐसे बिल्कुल पैक हुई हूँ। पहाड़ों में ठंडे की वजह से हाथ पैर मुंह फट जाते हैं, इसलिए एकदम पैक हुई हूँ। और मैं जा रही हूँ दूध निकालने, क्योंकि मम्मी गई है जंगल और हमारी भैंस बहुत बेकार हो रही है, टाइम पे टाइम पे दूध देती है, इसलिए 10 बजे अभी जा रही हूँ। ट्राई करती हूँ देती है नहीं देती है, अगर देगी तो देखना कि कैसे निकालती हूँ। मैं अपने अलग तरीके से निकालती हूँ दूध। ये वाली भैंस है जो उठ रही है दूध देने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है देगी अभी दूध, इसीलिए उठी है। ये इसकी थोरी है, थोरी बोलते हैं, इसका बच्चा है ये। अगर इसको दूध पिलाएगी तो इसका मतलब ये दूध देगी। तो चलिए ट्राई करते हैं दूध पिलाती है या नहीं। ये दूध पिलाने लग गई है, इसका मतलब ये दूध देगी। ये जान लग गई है गाइस दूध निकालने। गाइस, मुझे अच्छे से दूध निकालना नहीं आता है, लेकिन जैसे भी आता है थोड़ा सीरियस आती है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। पहले इसके थन को अच्छे से धोएंगे। देखो भैंस के चार थन हो गए, आपको तो पता नहीं होगा। भैंस के चार थन होते हैं, आपको तो पता नहीं होगा गाइस। तो आज देख लो गाइस, मुझे दूध निकालना अच्छे से नहीं आता, इसलिए मेरे को बहुत ताकत भी लगती है। दोनों हाथों से मैं पकड़ती हूँ एक थन, वैसे नॉर्मली लोग ऐसे निकालते हैं शायद। दोनों हाथों से लगाया कड़मड़ जोर बाबा हो भाई। तो मेरे को दूध निकालना नहीं आता, मैं इतना भी निकाल दूँ गनीमत समझो, ठीक है। तब सार तो नहीं हरा ली थन, मैं ट्राई करूं। चुप रह, मैं ना लगूं हां पान लाते हैंडल तो। वो देखिए चिंटू को आभास हो गया है कि दीदी दूध निकालने लग गई है, इसलिए वो आ गया है। वो देखिए बच्ची और थोरी को खिला रही है, क्या खिला रही है रे? रोटी। रोटी दे दे रही मैं। बहुत खुश हो गया है वो, लेकिन इसे थोड़ा सा दूध मिलेगा क्योंकि इसने सुबह सुबह एक कटोरी खाया है। तो दोस्तों, अब मैंने दूध निकाल लिया है, अब करते हैं नहाना धोना। और मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे, सॉरी आलू के गुटके और चावल के आटे के पराठे बना रही हूँ। आपको पूरी रेसिपी दिखाई जाएगी किस तरह से बनाती हूँ मैं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं मुँह पैक रखा है, क्योंकि हवा लगती है तो बिल्कुल फट जाता है, ड्राइनेस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी पहाड़ों में ड्राइनेस तो बहुत ज़्यादा है। 10:30 हो चुका है, अभी भी धूप नहीं आई है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अभी हमारे आंगन तक धूप नहीं पहुँची है, लेकिन वो पहाड़ों पर, दूर दूर पहाड़ों पर धूप आ चुकी है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं पहाड़। तो दोस्तों, नहा धो के हो चुके हैं रेडी, कपड़े मैंने नहीं बदले, मतलब इनर और स्वेटर मैंने नहीं बदली क्योंकि मैंने कल ही पहनी हुई थी। और अब बनाते हैं खाना, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपको। मैंने देख सकते हैं गाइस, ये झूठ बोल रही है कि इसने नहाया है, इसने नहीं नहाया, खाली कपड़े बदले हैं गाइस। अच्छा? इसने हाँ, इतना कपट क्यों भरा है तेरे मन में? भरा है, झूठ क्यों बोलती है फिर? तो बोला मैंने, बोला। फाइनली 10 दिनों के बाद ये भी, इसने भी नहा ही लिया है आज, तभी इसलिए फुरफुराहट कर रही है, आप देख सकते हो ये। और एक मोजा पहन रही थी मैं, दूसरा मोजा पहनने तक इसने नहा लिया। एक बहन यहाँ काम कर करके मर रही है सुबह से लेके, एक बहन 10 बजे उठ रही है, और दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। देखो, बैठी हुई है और सिर्फ फोन चला रही है अभी। वो देखो क्या, देखो कैसे सोए हैं खाना खा के, हफ्सियों की तरह, देख सकते हो दोस्तों ये। तो दोस्तों, हमने खाना पीना खा लिया है और अब मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ और व्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।